हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी प्यारी सी माता रानी की पूजा के साथ हो रही है। वैसे तो हर घर में पूजा होती है, लेकिन पूजा भी अपने अपने तरीके से की जाती है। तो अगर आपको मेरे तरीके की पूजा चाहिए या मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, अपने मंदिर के बर्तनों को किस तरीके से चमका के रखती हूँ, तो अगर आपको पूरी विस्तार में चाहिए हो तो मुझे बताना। मैं एक व्लॉग आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी पूरे विस्तार में। तो बस जैसे ही ज्योत बत्ती मेरी जली है, उसके बाद मैं यहाँ पे अरदास पढ़ रही हूँ, क्योंकि माता रानी के आगे अरदास रखनी बहुत ज़रूरी होती है, तो सभी को पता ही होता है। पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ में अगर आप बोलेंगे ना, तो मैं अच्छे से बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ और क्या चीज़ को करने से क्या सुख शांति मिलती है, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे तो। ठीक है, तो बस यहाँ दुर्गा चालीसा को ख़त्म करने के बाद मैं हाथ जोड़ लूँगी। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, माता रानी को भोग वगैरह लगाने के बाद मैं अब अपनी खुद की पेट पूजा की बारी आ गई है, यानी ब्रेकफास्ट की। तो आज मॉर्निंग में मैंने बनाया है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि सुबह हन्नी को भी स्कूल जाना था, तो मैंने सुबह ही आज ब्रेकफास्ट बना दिया था। और ये दो थाली हैं मम्मी और मेरी, जिसमें अचार रखा है। ये मम्मी की थाली, क्योंकि मम्मी को ना सुबह हो या शाम हो अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अचार खाती नहीं क्योंकि मुझे खटाई से ना टॉन्सन हो जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा मन करता है तो थोड़ा सा ले लेती हूँ। अब मम्मी यहाँ पर आप लोगों को हाय करेगी सर पे चुन्नी रख के, और बस फिर हम लोग ब्रेकफास्ट को एंजॉय करेंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आप लोगों का वेलकम सुबह से हो चुका है मंदिर की पूजा से, लेकिन दोबारा वेलकम करने का जो धूप में मजा है ना, वो भी अलग ही है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और सबको धूप चाहिए, जैसे कि आपको भी बहुत सारी धूप चाहिए, है ना। तो बस मैंने सोचा धूप खा लेते हैं और जादू बन जाते हैं। और बस मैंने नाश्ता किया, मम्मी बना रही है चाय, बन्नी सो रहा है, हनी आज स्कूल गया है क्योंकि आज उसको स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी था, उसके कुछ प्रोजेक्ट थे वो जमा करने थे, तो बस उन्हीं प्रोजेक्ट को वो जमा करने गया है। और मैंने कॉम की है, और आज मैंने न्यू कलर की लिपस्टिक लगाई है डार्क मैरून। कैसी लग रही है मेरे ऊपर प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोग। और अब मैं आ गई हूँ छत पर धूप खाने, और धूप बहुत तेज है क्योंकि सूरज देवता बिल्कुल मेरे सामने ही है। और अब थोड़ा सा टहलूँगी और चाय पियेंगे मम्मी और मैं धूप में ही, और बन्नी उठ जाएगा तो उसको फुल्का खिला देंगे, उसको उठने में भी टाइम है क्योंकि वो बहुत लेट उठता है, ये आप सबको पता है, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरे घर में मेरा छोटे वाला बेटा जो है वो सबसे लेट उठता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ, बैठ के आराम से बातें करती हूँ, पहले थोड़ा सा टहल लेती हूँ, ठीक है। टहली हूँ, अब मम्मी ला रही हैं ऊपर चाय, और मैं बैठ के पीऊंगी चाय, और मम्मी भी बैठ के मेरे साथ में धूप सेकेंगी और हम गरम गरम चाय पियेंगे। तो जब तक मैं और मम्मी चाय को करते हैं फिनिश, तब तक मैंने लास्ट व्लॉग में आपको याद है मैंने दिखाया था बथुआ, अब मैं बथुए का क्या बनाने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बथुए के पराठे रायता, आई नो आप लोगों ने बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, है ना, लेकिन मैं यूनिक चीज बनाने जा रही हूँ। तो जल्दी से देखिए और स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप करेंगे तो फिर मतलब बेस्ती हो जाएगी यार, ऐसा मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, बनाए मैंने बथुए के पराठे और रायता है, लेकिन नए तरीके से, ठीक है। तो जल्दी से देख लेना, स्किप मत करना, ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कुछ भी नहीं करा, जल्दी से करिए मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो, लिंक मैं यहीं प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगी। और वहाँ पे मैंने रील बनाई है, तो बस टेरिस की रील अच्छी अच्छी है, मतलब टेरिस पे तो अभी मैंने रील बनाई है, लेकिन इससे पहले की जो रील है वो भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो प्लीज़ जाइए वहाँ पे भी लाइक कीजिए और मेरे से जुड़िए। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरी अपने किचन में हमेशा की तरह। तो यहाँ पे मैं बथुआ को ले आई थी और इसको मैंने नुका लिया है, नुका के धो के उबाल लिया है। अब उबालने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ आप लोगों के सामने। मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली है, आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लहसुन अदरक नहीं डाला है, केवल ग्रीन चिली के साथ ही मैं इसको पीस रही हूँ। यहाँ पर मेरा सारा का सारा बथुआ जो है पीस के तैयार हो चुका है, आप चाहें तो थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं अगर आप सिलबट्टे पर पीस रहे हैं, लेकिन मेरे को इसी तरीके का ही पसंद
पसंद आता है क्योंकि मेरे पास सिलबटना नहीं है। अब मैं सबसे पहले आटा लगा कर रख दूंगी क्योंकि आटे को सॉफ्ट होने में भी 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो बस आटे में देखा आपने, मैंने नमक डाला है और रेड चिली पाउडर डाला है, हल्का सा ही डाला है। और उसके बाद जो हमारे जार में बथवे का पेस्ट रह गया था उसमें पानी मिला के उसी से ही हमने आटा गूंद लिया है। और जो थोड़ा सा पानी बचा है वो भी आपको कहाँ पे ऐड करना है बताती हूँ। बस मेरा आटा लग के इतना सॉफ्ट सा तैयार हो चुका है। अब जितना आटे को रेस्ट चाहिए 5-7 मिनट का, इतना हम अपना रायता तैयार कर लेते हैं बथुए का। तो यहाँ पर दही ले लीजिए अपने फैमिली के अकॉर्डिंग और उसमें डाल लीजिए बथुए की चटनी जो हमने बनाई है, बथुए का पेस्ट। और उसके बाद मैं रेड चिली डाल रही हूँ, मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक डाला है, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डाला है और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं रायते में काला नमक। अगर आज तक आपने रायते में काला नमक नहीं डाल के खाया ना, एक बार ही खाइएगा। तो बस जो जार में पानी बचा था आटा गूंदने के बाद में, वो मैंने यहाँ पे मिला लिया। इसके बाद थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी क्योंकि रायता अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपको गाढ़ा खाना है तो थोड़ा सा थिक रख लीजिए, मेरे को थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है। तो बस जैसे ही मेरा सरसों का तेल तवे पर अच्छे से गर्म हुआ, फिर मैंने जीरे को डाल दिया। जीरे के भुनते के साथ ही ये देख सकते हैं आप, तड़का लगा दीजिए इस तरीके का। और नमक और मिर्ची मेरे कहने से थोड़ी सी ऊपर रखिएगा क्योंकि रायते में नमक मिर्ची का स्वाद बहुत अच्छा आता है सच में। तो दोस्तों बारी आती है अब अपने उबले हुए आलू को छील लेने की। यहाँ से मैंने तीन से चार आलू ले लिए, इन्हें अच्छे से उबाल लिया है और अब मैं इन्हें पील ऑफ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 2-3 हरी मिर्ची को बारीक बारीक कट कर लिया है, साथ ही कद्दूकस कर रही हूँ छोटे से टुकड़े अदरक को। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन कद्दूकस करके डाल सकते हैं, बारीक बारीक कटा हुआ प्याज डाल सकते हैं। तो बस मैं तो हरी मिर्ची और अदरक के साथ ही बना रही हूँ। और इसके बाद में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मसाले, सूखे मसाले जैसे कि नमक टेस्ट अकॉर्डिंग और रेड चिली पाउडर। आपको जैसे भी पराठे खाने हैं तीखे या कैसे आप देख सकते हैं। तो मैं ढाबा स्टाइल पराठा बना रही हूँ, तो थोड़े तीखे चटपटे से पराठे बना रही हूँ। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मैंने एक पिट्ठी टाइप बना लिया है आप देख सकते हैं। और बस यही मेन इंग्रेडिएंट्स है क्योंकि बथुए के पराठे में आलू की पिट्ठी भर के बनाना ये बहुत कम लोगों को पता है। तो बस मैंने पतले पतले पराठे बनाने हैं यहाँ पर, तो मैंने छोटी सी लोई को बेल लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने अपनी स्टफिंग। जी हाँ, आज तक आपने आलू के पराठे तो बहुत खाए होंगे लेकिन बथुए के आटे में आलू के पराठे, और सही बताऊँ ना, एक बारी आप ऐसे करके खाइएगा बनाइएगा और बिल्कुल अलग लगेंगे आपको आलू के पराठों से, तो बिल्कुल बिल्कुल अलग लगेंगे, टेस्ट ही बिल्कुल अलग आएगा, सच बता रही हूँ मैं। अगर अभी आज तक आपने किस किस ने खाए हैं वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, और जिसने नहीं खाए होंगे तो भी शेयर करेंगे, लेकिन जिसने नहीं खाए होंगे ना प्लीज़ एक बार ही बना के जरूर खाइएगा मेरे कहने पर। तो बस एक पराठे को मैंने सेकने के लिए लगा रखा है, अब ये दूसरा पराठा बना रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल पराठा। ये तिकोना पराठा बनाऊँगी बिल्कुल सिंपल, इसमें आलू नहीं डलेंगे। तो बस इसको बिल्कुल सिंपल पराठा आपको बना के दिखा रही हूँ। मैंने दोनों तरीके के पराठे बना के दिखा दिए हैं, क्या पता किसी ने आज तक बथुए के पराठे खाए ना हो सकता है। बहुत से लोग होते हैं जैसे मेरी सास है, उन्होंने आज तक बथुए के पराठे नहीं खाए हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मेरी सास आई हुई है कि उन्हें मैं अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी खिला सकूँ। तो बस मेरी तो यही कोशिश है, बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो मैं आगे भी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ में। तो बस मेरा एक आलू भरा हुआ पराठा तैयार हो गया और अब एक सिंपल पराठा मैं यहाँ पर सेक रही हूँ, और उसके बाद आप लोगों के लिए एक प्यारी सी थाली गर्मा गर्म, आप लोग बस हाथ धो के बैठिए और आपके सामने मेरी थाली हाजिर है। ये देखिए थाली बिल्कुल हाजिर है गर्म गर्म पराठे के साथ और रायते के साथ। आप चाहें तो अचार भी ले सकते हैं लेकिन खटाई के मतलब रायते के साथ अचार अच्छा नहीं लगता। अगर पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा। सो गाइस, लास्ट व्लॉग में आपको पता होगा, लास्ट व्लॉग में लास्ट टाइम पे मैंने आपको ये दिखाया था और कई लोग गेस कर पाए कई लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ क्या है। और मेरी फ्रेंड जो है कमो, उन्होंने बोला था कि मैं गर्म सूट लाई हूँ, तो नहीं ये गर्म सूट नहीं है, ये है कटन्स क्योंकि मेरे घर में इनके बिना ना सब कुछ अधूरा लग रहा था। कटन्स नहीं थे मेरे पास, मतलब थे हल्के वाले कटन हैं और वो 7 फिट के हैं और मेरे को 9 फिट के चाहिए थे जो पूरी लेंथ आ जाए अच्छे से। और ये मैं लाई हूँ भारी वाले, तो जल्दी से दिखा देती हूँ। वैसे अभी मैं पूरा आपको पूरा जब मैं लगा दूंगी उसका भी दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैं थोड़ा जल्दबाजी में दिखा रही हूँ आपको, ये नीचे का है
और ये नीचे का बिल्कुल लास्ट का। तो ये 9 फिट के हैं, अभी इनको लगाती हूँ आप लोगों के सामने, फिर आप बताइएगा ओवरऑल लुक देख के फिर आप लोग जज कीजिएगा कि कैसा लगा है। और मेरे यहाँ पे ना अभी आपको बताऊंगी, हुक तो है मतलब, लेकिन वो जो डंडा होता है ना वो नहीं था, तो मैं डंडा कटवा के लाई। डंडा मतलब स्टील का ये वाला जो डंडा होता है, ये वाला, और इसके आजू बाजू में लगाने के लिए भी लाई हूं मैं, ये 2 लेकर आई हूँ। कैसे लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये काफी हैवी पर्दे हैं, काफी हैवी मैंने इसीलिए लिए कि ठंड जो है वो अंदर तक ना आए। 3 मेरे रूम में लग जाएंगे, 2 हनी बनी के रूम में लग जाएंगे, और इन्हीं के ये थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके ये लेकर आई हूँ जो अच्छे से इनको बांध दे दोनों तरफ से। बस 2 ही लाई हूँ, ज्यादा मैंने पैसे बर्बाद नहीं करे हैं, मैं इनका पहले देख लेती हूँ इनका यूज अच्छे से होता है कि नहीं। तो चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगी, पहले हम लगाते हैं, लगाते लगाते फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोगों से मैं बहुत देर के बाद मिली हूँ, और पीछे मम्मी बैठी है क्योंकि पीछे चल रहा है मेरे घर में महाकाली नाटक, तो मम्मी वही देख रही है। दिखाती हूँ आपको, तो मम्मी उसी को ही वॉच कर रही है। तो दोस्तों कर लेते हैं आगे का काम। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पर्दे की फोल्डिंग, क्योंकि पर्दों की जो लेयर है वो बहुत अच्छी लगती है। प्रेस मैंने इसलिए नहीं करे हैं क्योंकि अभी न्यू पर्दे हैं, प्रेस व्रेस करने का क्या वो करना, मैंने सोचा 1-2 दिन के लिए पहले टांग के देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और वाक्य में ही कोई प्रॉब्लम आई है वो भी आपको आगे पता चल जाएगी सच में। तो बस यहाँ पे मैंने 3 पर्दे स्टैंड में लगा लिए हैं, वैसे मैं इसको डंडा ही कह रही हूँ, और स्टैंड तो अभी कह रही हूँ सही बताऊँ तो, लेकिन डंडा है। उसके बाद जो साइडों में लट्टू लगाने के लिए लाई हूँ वो भी लगा रही हूँ, और आज तो सही बता रही हूँ बाबा जी का अखाड़े वाला काम हो गया था। इस स्टैंड को अकेले हुक पे टांगना, मतलब मैं और हन्नी कितना संभाले, इस पर्दे लगने के बाद ये स्टैंड इतना हैवी हो गया था कि मैंने सोचा भी नहीं था। ऊपर से मैंने चेयर के ऊपर एक छोटा सा स्टूल रख के उसके ऊपर खड़ी हूँ, एक तो गिरने का डर, ऊपर से ये इतना हैवी हो गया था। ये देखिए आप कितना हैवी, मतलब संभाले से भी नहीं संभल रहा। फिर मैंने हन्नी को उस साइड भेजा कि तू उस साइड का कोना पकड़, और ये हुक जो लगे हुए हैं, बस ये हुक लगे हुए मिले थे, इस पर भगवान मकान मालिक को डंडा देने में क्या जा रहा था, लेकिन ये ना खुद हमें स्टैंड खरीद के लाना पड़ा। और अब ये आया है लुक, आप देख लीजिए कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत करी है इस घर को सजाने के लिए, और हवा अंदर ना इसलिए थोड़े भारी पर्दे भी लिए हैं। और देखिए जो मैं आपको बता रही थी कि पर्दे लगाने के बाद परेशानी आई है, वो यही है कि ये मेरी 1 उंगल के बराबर एक्स्ट्रा मतलब नीचे लटक रहे हैं, तो इन्हें फोल्ड करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों पूरा लुक देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे जो मैं डोरी लाई थी उससे मैं अपने पर्दों को बांध के रख रही हूँ, कैसा लगा प्लीज़ मुझको ज़रूर से बतलाइएगा। सो गाइस बन रही है चाय, और पीछे पड़े हैं किचन में बर्तन, और मम्मी का आ रहा है फोन, और मम्मी बैठी इस वाले रूम में, मतलब ये सारा काम जो है मुझे निपटाना, और भी काफी मैसी भी हो गया क्योंकि पर्दे वगैरह लगाए हैं मैंने, तो घर थोड़ा उथल पुथल हो चुका है। तो बस अब इन सबको संगवाऊंगी, और इसी टाइम आपसे प्यारी सी अलविदा लेती हूँ। और चाय मैं इस टाइम की पी रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, तो मम्मी ने भी कहा कि मेरी भी आधा कप बना ले, तो हम सास बहू दोनों जो हैं आधी आधी कप चाय पियेंगे इस टाइम। और यहीं पे ही मैं आपसे प्यार भरी अलविदा लेती हूँ। आई होप सो ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, जरा भी यूजफुल लगा हो, चाहे मेरी वो रेसिपी हो, चाहे मेरे कर्टन्स हो, चाहे कुछ भी हो आपको अच्छा लगा हो, तो शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और हाँ, पहली बारी मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार प्लीज, ठीक है? तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी सी रेसिपी के साथ, जिसकी शुरुआत मैंने इसी ब्लॉग में कर ली है, तो ठीक है। तो बस ये रेसिपी जो है अगले ब्लॉग में आपको दिखने वाली है, बहुत धांसू रेसिपी है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, लव यू, जय माता दी, शब्बा खैर।